ये कैंडिडेट को रोड रोलर मिल गया, 38,000 वोट केवल मात्र 35,000 और 38,000 के बीच में वोट थे, सिर्फ सिमिलैरिटी मशीन पर दिखने के कारण वोट डले। इस चुनाव में मेरे सामने जूते का चुनाव चिन्ह था, उसको 6,000 वोट गए। कमल के फूल के आगे गोभी के फूल का चुनाव चिन्ह था तो उसको 6,000 वोट गए। तो इन तमाम विषयों को हमने स्टडी करते हैं, पांच इलेक्शन सिंबल आउटलाइन करे थे और पांचों के ऊपर तमाम डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से चर्चा करी और उनको हमने आगे इलेक्शन कमीशन के पास भेज दिया और अप्रूवल होके चुनाव चिन्ह आ गया। थोड़ा सा इंतजार कर लो, चुनाव चिन्ह भी आपको आपने कहा था कि चौधरी देवीलाल की खड़ाऊ है जिनको आप अपने सिर पर उठाकर चल रहे हैं, तो क्या वो चौधरी देवीलाल की खड़ाऊ प्राथमिकता रहेंगी या उनको छोड़ रहे हैं? वो भी इलेक्शन सिंबल में रहेगी, आगे इलेक्शन कमीशन के ऊपर है कि वो हमें पांच में से, पिछली बार 10 दिए थे उसके अंदर से हमारे पास चुनाव चिन्ह चप्पल का आया, तो ये कोई हमारी प्रायोरिटी नहीं है, प्रायोरिटी इलेक्शन कमीशन की। हम तो पांच अप्लाई कर रहे हैं, पांच में से जो उनकी तरफ से अप्रूव होके आएगा हम उसके ऊपर आगे कॉमनली अपना पांच के नाम। दो घंटे रुक जाओ आप, तो हाउस का फैसला होगा, वो अप्रूव करेगा। भूषण जी, जिस तरह से गठबंधनों का दौर जारी रहा लोकसभा में, गठबंधन नहीं हो पाया, क्या हरियाणा में भी विधानसभा में की हमारे साथ तो साथी था और हमने उसके साथ मिलकर 7 और 3 लोकसभा चुनाव पर चुनाव लड़ा है और यही उम्मीद है कि आगे भी इसी तरीके से हम चलते रहेंगे। बिल्कुल रहे। एक बहुजन समाज पार्टी ने राजकुमार सैनी से गठबंधन तोड़ दिया है, तो क्या आप उनसे भी बातचीत करें? तो आने वाले समय में क्या परिस्थितियां रहेगी, कैसे चुनाव लड़ा जाएगा, तो बहुत अर्ली है। और जहां आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर चलने की बात है, हमारी जैसी प्रोग्रेसिव सोच की पार्टी है जिसने काम कर दिखाया है, अरविंद जी से मैं मिला भी और हमारी दोनों की यह सोच है कि मिलकर इसी तरीके से आगे बढ़े। और तो उनके संगठन का निर्णय हो, हमारे संगठन का जो निर्णय होगा आज पूरे हाउस के अंदर उसको हम रखें, जो सारे साथी अप्रूव करेंगे उसको। ऐसी सूचनाएं आई थी कि आपकी मुलाकात डॉक्टर मेघराज जी से हुई है, हो सकता है बहुजन समाज पार्टी से कोई बातचीत। सूचना कहाँ से मिली है ये तो मैं वेरीफाई नहीं कर सकता, मगर मैं जरूर ये बोल सकता हूँ कि मेरी मुलाकात हुई। विधानसभा और लोकसभा दोनों अलग एस्पेक्ट पर लड़ेंगे। आप तो सारे अखबार जगत से, टीवी जगत से हैं, मैं आपको फैक्ट बताता हूँ। इस लोकसभा में हरियाणा में 223 उम्मीदवार थे 10 सीटों और 223 में से 203 की जमानत जब्त, 10 जो सांसद चुनकर गए उनकी जमानत बची जो बीजेपी के हैं और 10 जो नंबर 2 पर आए। उस रिजल्ट से एक चीज स्पष्ट और साबित होगी कि लोगों ने प्रधानमंत्री वर्सेस वोटिंग पैटर्न पूरे देश में दिखाया, केवल मात्र हरियाणा ही सीमित नहीं है। आप राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार बने 6 महीने नहीं हुए, मध्य प्रदेश के अंदर जो 70 साल से सीट नहीं हारे वो भी आज हारने का काम, उत्तर प्रदेश के अंदर तो सबसे मजबूत गठबंधन हुआ महागठबंधन जहां 3 पार्टीज ने मिलकर चुनाव लिया। तमाम परिस्थितियों ने एक चीज दिखा दिया कि नरेंद्र मोदी जी के सामने कोई चेहरा प्रधानमंत्री के लिए नहीं था, इसलिए लोगों ने उनको वोट दिया। प्रदेश की परिस्थितियां अलग, प्रदेश किस परिस्थिति में वोट डालेगा वो अपने प्रदेश के लीडर के लिए वोट डालेगा। और जहां प्रदेश की लीडरशिप की बात, मैं ये मानता हूं कि प्रदेश बदलाव चाहे और मजबूती से हमारे संगठन का एक एक साथी मिलकर काम भी करेगा और बदलाव भी लड़ाएगा। भूषण जी, इनेलो सुप्रीमो ओमप्रकाश चौटाला जहां भी जाते हैं जनसभा में एक ही बात कहते हैं, पार्टी से बागी जितने भी बागी थे उनको दोबारा नहीं लिया जाएगा। तो क्या हम जा रहे हैं? चर्चा ऐसी थी कि तो एक लाइन में आपसे पूछ ले तो क्या हम जा रहे हैं? ना हमने पार्टी छोड़ी, हमें तो काटा गया। बागी वाले जीवन बाधित गद्दार है जो पार्टी छोड़ के चले गए हैं, ना तो वो हमारी पार्टी का एजेंडा और ना हमने जाना, ये पॉइंट ही खत्म है। आपके बारे में टीवी में तो बात की, भूषण जी एक मेरा नाम लेके आपके बारे में, भूषण जी एक सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की रिपोर्ट है जिसने ये कहा गया है कि पंजाब और हरियाणा में
तीस सालों में पानी खत्म हो जाएगा, ग्राउंड वाटर खत्म हो जाएगा, उसके ऊपर कोई चिंता? देखो बहुत गंभीर विषय है और इसके लिए जब मैं सांसद था मैंने प्रधानमंत्री से भी मुलाकात करी, मैंने पार्लियामेंट में भी कई बार ये सवाल उठाया था कि आज हरियाणा को पानी देने के लिए जहां एक SYL अहम विषय है, उससे बड़ा विषय है कि रेणुका, लखवार और पसाव तीन डैम यमुना के ऊपर बनाए हैं जिससे प्रॉपर वाटर सप्लाई निरंतर मिले। हमारा भाखड़ा कर लो और ये छोटे छोटे जो चेक डैम्स बनाए गए, इसकी वजह से जो ग्राउंड रिचार्ज था दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है। जहां पहले 10-15-20 फुट पे पानी मिलता था आज वहां 80-90 फुट पे चला गया। नांगल चौधरी जैसा विधानसभा क्षेत्र है जहां आज 1200-1300 फुट के ऊपर पानी उपलब्ध है। इस गंभीरता को देखते हुए समझते हुए हमें ये चीज आज माननी पड़ेगी कि ट्यूबवेल की सिंचाई एक सोर्स है, मगर जितना हम ट्यूबवेल से एक्सट्रैक्ट करेंगे और कनाल से किसान को पानी ना पहुंचा पाएंगे उतना ही ज्यादा हमारे ग्राउंड वाटर को दिन प्रतिदिन हम खत्म करेंगे। और प्रधानमंत्री ने 2017 के बजट में 1500 करोड़ रुपया रेणुका डैम के लिए रखा, आज तक एक रुपया केंद्र सरकार द्वारा नहीं आया जो उस डैम के निर्माण के लिए। हमारी तो ये मांग है 10 के 10 हरियाणा के सांसदों से कि बजट 17 सेशन से शुरू हो रहा है सेशन, आप 10 के 10 मिलकर प्रधानमंत्री से ये मांग करो, एक तो वो डैम निर्माण हो और आपके प्रदेश का हिस्से का पानी सतलुज नाली के माध्यम से आए। क्या सरकार किसान को फांसी दे? पाबंदी पे पाबंदी लगाने से आप खेती करने वाले किसान को कमजोर नहीं कर सकते। अगर मुख्यमंत्री चाहते हैं कि किसान पैडी की बजाय सूरजमुखी पे जाए या कोई और अल्टरनेटिव ढूंढे, तो सबसे पहले प्रदेश के अंदर व्यवस्था बनानी पड़ेगी, चाहे वो माइक्रो इरिगेशन की। आज यमुना के पानी को अगर आप ड्रिप से डालोगे तो तीसरे दिन ड्रिप चोक हो जाएगी, मगर इस टेक्निकलिटी को नहीं जानते वो लोग क्योंकि उनने कभी खेत में काम नहीं किया। आज ऑर्डर देना और ये कहना कि माइक्रो इरिगेशन में 99% सब्सिडी है, माइक्रो इरिगेशन वही कामयाब है जहां भाखड़ा का पानी, अदर देन दैट आज सिल्ट इतना ज्यादा है हमारे कनाल माइनर्स मेजर्स सारे चौक हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी सफाई नहीं हो पाती। अगर मुख्यमंत्री चाहते हैं कि किसान पैडी से किसी और फसल पर शिफ्ट हो तो सबसे पहले उनको उन फसलों की MSP को दुगुना करना पड़ेगा, कि आप एक इंसेंटिव तो दो कि फार्मर उसकी तरफ जाकर दे। ऑर्डर देने से और ये कहने से कि भाई आप पैडी नहीं उगाओगे किसान को आप रोक नहीं पाओगे, अगर इस तरह की बंदिश लगाने का काम किया और किसान को कमजोर करने का काम किया तो हम भी सारे किसानों के साथ खड़े होंगे और लड़ाई होगी। देखो क्राइम दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, अकेले रोहतक तक सीमित नहीं, पूरे प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की जो अव्यवस्था है ये तो NCRP का डाटा भी बताता है, और NCRP के डाटा ने क्लियर कर दिया कि प्रदेश में क्राइम रेट बढ़ा है और इसके पूर्णतः जिम्मेदार जहां फेलियर ऑफ हरियाणा पुलिस है वहीं मुख्यमंत्री है क्योंकि वो गृह मंत्री है, और उनकी निगरानी में अगर प्रदेश में अपराध बन रहा है तो वो पूरी तौर पर इसके जिम्मेदार है। सर कांग्रेस गठबंधन है विधानसभा में किसी सीटों पर होगा तो आगे चर्चा चली, अभी तो हमने रिजल्ट एनालाइज किया है, रिजल्ट एनालाइजेशन के बाद अब आगे किस तरीके से चला जाएगा उसके ऊपर चर्चा होगी और उसके ऊपर ही आगे। तो आपके गठबंधन के उम्मीदवारों में कितनी जगह जमानत जब्त? मैंने आपको बता तो दिया कि हरियाणा में 223 में से 203 की जमानत जब्त, तो किसकी हुई किसकी नहीं हुई ये तो पॉइंट ही खत्म हो। तो क्या कांग्रेस छोड़ रहे हैं? कांग्रेस में रह रहे हैं ये तो उनका निर्णय होगा, मैं इस पे क्या टिप्पणी करूं। उनकी जो बैठक हो रही है बैठक में जिस तरह से अशोक तंवर ने ये भी कह दिया कि मुझे गोली भी मार दो, ये तो कांग्रेस का आपको कल्चर दिखता जा रहा है किस तरह के हालात आज कांग्रेस में। आज कांग्रेस की ये हालात है, उस हालात को देखते हुए हरियाणा की जनता
ऑल्टरनेटिव के तौर पर जननायक जनता पार्टी को देखें। और मैं ये मानता हूं कि प्रदेश में आने वाला भविष्य अगर कोई है तो जननायक जनता पार्टी। मैं आपको एक फैक्चुअल चीज बता दूं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी स्प्लिट के बाद जिसका जन्म हुआ है उसने कभी भी अपनी मदर पार्टी को ओवरटेक नहीं किया पहले चुनाव। हमने तो ये साबित कर दिया कि 3 गुना ज्यादा वोट इस जनरल इलेक्शन में लिए और 11 गुना ज्यादा वोट हमने बाय इलेक्शन में। अब ISR कांग्रेस को देख लो, आप RJD और उस समय की समता पार्टी को देख लो, आप बात करो JDU की, इसको देख लो, जितनी पॉलिटिकल पार्टी में स्प्रेड हुआ था कभी भी जो वोट शेयर था वो मदर पार्टी से ज्यादा नहीं। हम ये मानते हैं कि हमने ये साबित कर दिया कि ओरिजिनल अगर चौधरी देवीलाल की लेगेसी और विचारधारा को कोई आगे लेकर चल रहा है तो जननायक जनता पार्टी। और हरियाणा प्रदेश भी ये मानकर हमारे साथ आज खड़ा है। और आप चुनाव चिन्ह की बात करो, नाम की बात करो, अभी तो 6 महीने हुए और 6 महीने में सारी टीम ने, पूरी पार्टी ने जिस तरीके से काम किया, हमें तो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस एक बाई इलेक्शन लड़ने का मिला, जनरल इलेक्शन का मिला, एक अलायंस का मिला। और मैं मानता हूं कि एक ऐसा लर्निंग फेज था जिसने हमें अपने आप में और मजबूत किया कि हम विधानसभा के अंदर मजबूती से लड़े भी और प्रदेश के अंदर बदलाव लाए सरकार। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि विधानसभा चुनाव में अब 80 उनकी सीटें आ गई। सपने लेने का किसी को आप रोक सकते हैं? लेकिन वो सपने से तो हरियाणा की जनता ने निर्णय करना है। हरियाणा की जनता जो निर्णय करेगी वो आने वाले समय में प्रदेश में सरकार बनाएगी। 10 की 10 सीटों का आपने इसलिए ले रहे कि 10 की 10 सीटें हैं। फिर तो आपने वो सेल्फी वाला घमंड भी देखा हो, 10 का असर आने लग गया। जिस तरीके से सेल्फी लेते हुए लोगों को धक्के मारे जा रहे, एक चीज तो साबित कर देता है कि आज एटीट्यूड में भी बदलाव है और एरोगेंस भी आ चुका है। और प्रदेश हमारा परिवर्तन चाहता है। तो ये 10 की 10 कहने वाले लोग हैं, इनको 84 याद दिलाता हूं, जब इंदिरा जी की डेथ के बाद राजीव जी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आए, 10 की 10 सीटों पर कांग्रेस आई थी। और उस समय तो शायद सोनीपत की सीट पर चौधरी देवीलाल जी के भी कोई बहुत ज्यादा वोट नहीं आया था, आप तो उस समय पत्रकारिता करते थे। और लोग कहते थे अब क्या करो, अब क्या हो। मेरे को सिरसा में एक बुजुर्ग मिले जो उस समय हमारे युवा के प्रधान थे, कहने लगे कि कांग्रेस ही कहा करते थे कि चौधरी देवीलाल को तो अब किन्नू बेचने पड़े। पर क्या चौधरी देवीलाल रुक गए थे? 2.5 साल में चुनाव हुआ और वो कांग्रेस 5 सीटों पर आ गई थी विधानसभा में, 85 सीटें चौधरी देवीलाल ने 1987 में जीतने का काम किया। तो हम तो उस लक्ष्य के हैं। हमारी सोच वो नहीं है कि घोड़े का नाल दरवाजे पर रख दो और कह दो ये शुभ। हमारे तो एक एक कार्यकर्ता वो है जो घोड़े का नाल पाव में लगाकर अगले 120 दिन काम करेगा और बदलाव ला के दिखाएगा। शुभ जब ही उसको बना पाएंगे जब हम इस प्रदेश में जीता। मैं तो इस समय कहा था लोकसभा लड़ूंगा, आगे संगठन को लगेगा फिट कि मेरे कहीं लड़ने की जरूरत है तो जरूर। चुनाव लड़ने से कौन घबराया हमारे परिवार। सर एक 3 मांग इस हरियाणा में हमेशा उठती रही है लेकिन जब चुनाव आता है ना उन चीजों को भूल जाते हैं। SYL, अलग राजधानी और अलग हाईकोर्ट, ये मांगे हमेशा दब के रह जाती हैं। तो उसको अलग हाईकोर्ट और अलग राजधानी पे तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि जहां चंडीगढ़ पे हमारा अधिकार है हम उसको छोड़ेंगे। जहां हाईकोर्ट की बात है, मेरा प्राइवेट मेंबर बिल आज भी पार्लियामेंट में पेंडिंग पड़ा है जिसके अंदर ये मांग करी थी कि हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट की, जैसे इलाहाबाद हाईकोर्ट की अलग 2 बेंचेज यूपी में है, जोधपुर हाईकोर्ट की अलग बेंच जयपुर में है, उसी तरीके से हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट की एक बेंच गुड़गांव में बनानी चाहिए क्योंकि आज के दिन सबसे ज्यादा लिटिगेशन कोई है तो वो हमारे NCR रीजन का। और गुड़गांव के आदमी को आज चंडीगढ़ जाने में बहुत दिक्कत आती है। और अगर गुड़गांव में एक बेंच खुलती है तो पलवल से लेकर और भिवानी हिसार ये तमाम जिले गुड़गांव में कवर हो सकते हैं। अगर नियत है तब तो पूर्ण मेजोरिटी के साथ बीजेपी की सरकार बनी है, उस बिल को अडॉप्ट करे और एक एडिशनल ब्रांच हाईकोर्ट की गुड़गांव में खुलेगी।
SYL को लेकर, क्या कोई दूसरा प्रारूपी हो सकता है? मैंने आपके पास सामने तो बोला कि 10 सांसद बीजेपी के आगे, मुख्यमंत्री का कल का बयान है SYL हमारी है, पानी हमारा है। पहले सेशन के पहले दिन में 10 के 10 जाकर प्रधानमंत्री से मुलाकात करें, जल शक्ति मंत्री से मुलाकात करें और कहें कि हरियाणा का अधिकार दिया है। कृष्ण जी, हरियाणा में दो पॉपुलर एमपी थे लोगों के, जिन्होंने काम किया, आप और दीपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके हाल को आप कैसे देखते हैं? मैं जब आपको बता रहा हूँ कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसी